प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 4-5 की गणित की कार्य पुस्तिका में आकलन 4 करेंगे। बाकी के कार्य पत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। आकलन 4 में पहला सवाल है, किस चित्र के 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है? 1/4 यानी 1/4, 4 भाग हैं कुल, उनमें से एक में रंग भरा हुआ है। अब देखो 4 भाग कहाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 4 भाग हैं, लेकिन यहाँ तो 3 में रंग भरा हुआ, तो 3/4 हो गया। ये देखो 1, 2, 3, 4, 4 में से एक में रंग भरा हुआ, तो ये है 1/4, 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है, तो इस पर निशान लगा देंगे। दूसरा है सवाल, कुल राशि कितनी है? 10 का सिक्का है, ये 5 का सिक्का है, ये 50 का नोट है, तो 10 और 5 15, 15 और 50 65, तो 65 पे ये लगा देंगे निशान। तीसरा, बुधवार के बाद कौन सा वार आएगा? बुधवार के बाद में क्या आता है? गुरुवार। अगला 4 का है, यदि किसी महीने की 11 तारीख को रविवार है तो अगला रविवार किस दिनांक को आएगा? जैसे 11 को रविवार है, 8वें दिन आता है फिर अगला रविवार। 11 को रविवार है, 12 को सोमवार, 13 को मंगल, 14 को बुधवार, 15 को गुरुवार, 16 को शुक्रवार, 17 को शनिवार और 18 को रविवार। तो अगला रविवार कब आएगा? 18 को। अगला है 5 का, घड़ी में दर्शाया गया समय लिखिए। इसमें देखो जो छोटी सुई है घंटे वाली वो 5 पर है, बड़ी सुई है मिनट की वो 12 पर है, तो 5 बजे। इसमें छोटी सुई 9 पर है घंटे की और मिनट की सुई 12 पर है, तो 9 बज गए। अगला है, इसमें 11 बज रहे हैं, छोटी सुई 11 पर है घंटे की, मिनट की सुई 12 पर है, तो 11 बजे। अगला है, घंटे की सुई 3 पर है, मिनट की सुई 12 पर है, तो 3 बज रहे हैं। अगला है 5 का, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये तथा गेंद की कीमत 10 रुपये है, यानी पेंसिल 2 रुपये में आ रही है, गेंद है वो 10 रुपये में आ रही है, तो 2 पेंसिल व 3 गेंदों की कुल कीमत कितनी होगी? तो 2 रुपये है एक पेंसिल की कीमत और 2 ही पेंसिल खरीदनी है, तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे, प्लस 10 रुपये की गेंद है और 3 गेंद खरीदनी है, तो 30 रुपये हो गए, 2 × 4 जोड़ 10 को 3 से गुणा करेंगे, 30 और 4 34 रुपये। देखो 2 पेंसिल खरीदनी है 2 रुपये की है, तो 4 रुपये तो पेंसिल के हो गए, 10 रुपये की गेंद है, 3 खरीदनी है, तो 10 को 3 से गुणा करेंगे, 30 हो गए, तो 4 और 30 34 रुपये हो गए कुल कीमत। अगला 7 का, एक गिलास में 3 कप पानी तथा एक जग में 4 गिलास पानी आता है, तो बताइए जग में कितना कप पानी आएगा? देखो 3 कप पानी एक गिलास में, गिलास में 3 कप पानी और एक जग में, जग में 4 गिलास पानी आता है, तो बताइए जग में कितना कप पानी आएगा? तो जग में कितना कप आएगा? तो जग में 4 गिलास आते हैं और 1 गिलास में 3 कप आते हैं, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12 कप पानी आएगा एक जग में, पानी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।